हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप जो है कॉल रिकॉर्ड की है अपने फ़ोन में और उस कॉल रिकॉर्डिंग को आप जो है डिलीट कर दिए हैं या फिर डिलीट हो चुका है, तो अगर आप फिर से उसी कॉल रिकॉर्डिंग को रिकवर करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ये अगर वीडियोज़ कम्प्लीटली आप पूरा देखते हैं तो बड़ी सिंपल से, जी हाँ, बहुत ही आसानी से आप जो है एक ही क्लिक में अपने जितने सारे कॉल रिकॉर्ड डिलीट हुआ है सारे को वापस ला सकते हैं अपने मोबाइल में। तो इस वीडियोज़ को कम्प्लीटली पूरा जरूर देखना दोस्तों। इस जो है वीडियोज़ में आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, इसके लिए अगर कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसमें होना चाहिए आपका फोन जो है, आप जो है अगर जो है फॉर्मेट नहीं किए हैं तभी ये होगा। अगर आप फॉर्मेट जो है कर चुके हैं और वो अगर आप फॉर्मेट कर चुके हैं, कोई सारा चीज़ जो है हटा चुके हैं, तो अगर रिकवर करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं होगा। तो आपको अगर ऐसे ही डिलीट किए हैं फोन को, यानी आप जो है रिस्टार्ट नहीं किए हैं, यानी फॉर्मेट नहीं किए हैं, तो आप जो है उसे जो है जितना सारा कॉल रिकॉर्डिंग है सभी को आप जो है रिकवर कर सकते हैं एक ही क्लिक में। तो चलिए इस चीज़ को सीख लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ऐप्स को जैसे ही आप जो है कुछ जो है ओपन करोगे डाउनलोड करने के बाद, तो ऐप्स का नाम क्या है, कैसे डाउनलोड किया जाएगा, सारा चीज़ जो मैं इसी वीडियोस के लास्ट में बता दूंगा। तो पहले आप जो है काम देख लो। तो यहाँ पे जैसे ही ऐप्स जो इंस्टॉल करोगे उसके बाद ओपन करोगे, तो यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको जो कुछ जो है इस तरह से देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट वाला ही आपको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको स्टार्ट जो है देखने को मिलेंगे, इसी स्टार्ट वाला बटन में आपको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे रिकवर होना शुरू हो जाएगा जितना सारा आप कॉल है वो आपके फोन में, कुछ टाइम ले सकता है अगर ज़्यादा फाइल है, बहुत से आप जो है कुछ फॉर्मेट नहीं किए हैं, तो जितना सारा शुरू से लेकर जितना सारा कॉल रिकॉर्डिंग है, जितना सारा रिकॉर्ड है, सारा चीज़ जो है रिकवर कर देगा। तो मैं इस मोबाइल में फॉर्मेट किया था इसीलिए यहाँ पे बहुत ही फास्ट हो चुका है, और इस फोन में शायद मेरा एक भी कॉल रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें सिम ही नहीं यूज़ करता हूँ। ओके, तो आपको इसी जगह फिनिश में आपको क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद व्यू रिकॉर्डिंग ऑडियो पे आपको क्लिक कर लेना है, कुछ इस तरह से आ जाएंगे आपको आपके फोन में जो है देखने को मिलेंगे। तो साइड में आपको क्लिक करके कुछ इस तरह कर लेना है। एंड यहाँ पे ऑल रिकॉर्डिंग जो आपको देखने को मिलेंगे इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है क्योंकि मेरा इस मोबाइल को जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी सिम वम नहीं लगा के रखा हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, इसी ट्रिक को आपको यूज़ करना है। एंड ये सारा चीज़ करने के बाद आपको जो है आपको बैक आना है, फोन का जो फाइल मैनेजर है फाइल मैनेजर को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेंगे पूरा सारा फाइल। तो यहाँ पे म्यूजिक में आप क्लिक करके सारे रिकॉर्डिंग को आप यहाँ पे पा सकते हैं। सो दोस्तों, इसी तरह आप जो है जो भी आपके मोबाइल से कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट किए हैं या फिर डिलीट हो चुका है, तो इसी एप्लीकेशन की मदद से आप रिकवर कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, कैसे डाउनलोड किया जाएगा, आपको आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप जो है ऐप्स का नाम जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ऑडियो रिकवर। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस ऑडियो रिकवर को आपको क्लिक कर लेना है, जो सर्च कर लेना है प्ले स्टोर में। एंड आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप जो है नाम देख सकते हैं, ऑडियो रिकवर करके प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी आसानी से आप जो है अपने फ़ोन में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग अगर डिलीट हो चुका है तो इस एप्लीकेशन की मदद से वो रिकवर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप की वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कर ले। और भी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, इसी तरह टेक्निकल वीडियोज़ को देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और अपने दूसरे के पास शेयर कर लेना ताकि वो भी इस चैनल से कुछ जरूर सीखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।